इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई उसके बावजूद, आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं, कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा, मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस, तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी उन्होंने, ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।